हेलो दोस्तों, जंगड़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मोशन का है, गति का है। और इसमें आपको जो बेसिक है, बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। और अभी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग अभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, उन वो भी इसका फ़ायदा, फ्री कोचिंग का फ़ायदा उठा सके। और अभी हम डिस्कस करते हैं मोशन। मोशन क्या है? मोशन एक गति, गति को ही मोशन बोलते हैं। अभी जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये दो ब्रांचेज है किसकी? मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स की है जहाँ पे स्टैटिक्स है, उसमें क्या होता है? स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो क्या है? वो स्टडी है एक कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, या कोई भी एक, हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या तो मोशन करेगा या रेस्ट पे होता है। अगर वो रेस्ट पे है और अगर हम उसकी स्टडी करें तो वो क्या है? वो स्टैटिक्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, वो क्या है? डायनेमिक्स। या फिर स्टैटिक्स को एक सिंपल, अभी एक अगर डेफिनेशन में अगर करें तो स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। कि जो आपको सिंपल तो समझ में आ गया है कि स्टैटिक है जो एक एक बॉडी का की स्टडी है जो वो रेस्ट पे है, कि उससे बाहर की बाहर बाह्य बल कुछ ना लगे, कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना लगे। या और डायनेमिक्स है वो सब्जेक्ट, डायनेमिक्स है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द काजेज ऑफ मोशन। कि जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ काजेज, कि वो किस कारण से वो मोशन में है। ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट, वो रेस्ट पे है या एक यूनिफॉर्म मोशन में है, इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ठीक है। और आगे है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? ये भी एक स्टडी ऑफ मोशन है, कि जो मोशन है गति का उसकी ही स्टडी है। वो ये क्या है? ये विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द काजेज ऑफ देयर मोशन, ये जो उसका जो कारण है, मोशन का कारण है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कारण के बिना, कारण जो उसका उसको मोशन देने का कारण है उसको ये काउंट नहीं करता। सॉरी, काइनेटिक्स में वो काउंट, हाँ सॉरी, इसमें काइनेमेटिक्स में वो अकाउंट नहीं करता कि उसकी जो मोशन है वो किसने दी है, ये हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। और इसमें एक टर्म्स और है रेस्ट। वो रेस्ट क्या है? कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि ये है, ये पेन रख दिया, ये रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं, मोशन नहीं करा, तो इसको हम बोल सकते हैं रेस्ट। और दूसरा, रेस्ट का अपोजिट क्या आ गया? मोशन। मोशन क्या है? कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करना, उसको मोशन बोलते हैं। अब इसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं और डिस्टेंस को दूरी। अगर इसको एग्जाम्पल में देखें, जैसे यहाँ मुझे यहाँ ए से बी तक जाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम? एक स्ट्रेट, एक तो सीधा रास्ता ये है और एक रास्ता ऐसे जाके ऐसे है, कि हम ये वाली, ये दूरी है कि ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी है, लेकिन ये एक स्ट्रेट है, इससे छोटी कुछ भी दूरी नहीं हो सकती। इस जो सबसे छोटी दूरी है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होगा और वो उसी को बोलते हैं विस्थापन, और जो ये दूरी है इसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है। और एक और है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन, ये एक
एक टर्म और याद रखो, सदिश और अदिश, हम इसके बारे में और डिस्कस करें। सदिश होता है जिसके जो ओनली एक परिमाण दे कि उसने ही किया, और जैसे कि 4 किलो, इसमें क्या है 4 किलो है जो ये अकेला है, हमें इसे इसमें हमने क्या पता चला कि ये परिणाम है, परिमाण है, और इससे ये नहीं पता चला कि किस चीज़ का क्या है कैसे है। तो उस चीज़ को जिसमें सदिश में ओनली परिणाम मिलते, सदिश है, सदिश, सॉरी ये उल्टा हो गया, जो ये वाली टर्म है ये इसकी है, ये अदिश है, और जो ये वाली है ये टर्म है सदिश, ये इसको बोलते हैं वेक्टर भी बोलते हैं इसको, जो ये वाली क्वांटिटी है, इसमें वेग आएगा, विस्थापन आएगा, बल आएगा, त्वरण आएगा, ये सदिश है, और जो ये वाली है इसमें जिसमें ओनली परिणाम आएगा, परिमाण आएगा, वो है जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, जैसे समय है सिर्फ क्या पता चलेगा कि 2 बजे हैं, ये भी नहीं पता चलेगा वो कब के भले ओ बजे हैं, मॉर्निंग के बजे हैं या इवनिंग वाले बजे हैं। तो आयतन, कार्य ऊर्जा, ये आप इस चीज़ का आप मतलब अपने दिमाग में बैठा ले, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कई एग्जामों में। और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये विस्थापन से हमें पता चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, विस्थापन अगर हम बोलते हैं कि ए से बी का विस्थापन 5 किलोमीटर है, तो इससे क्या पता चलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है। ओके, और अगला है वेग और चाल में, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी और चाल को बोलते हैं स्पीड, ये क्या है, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो होता है वेलोसिटी। अगर वो टाइम टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया था, एक डिस्टेंस कवर किया था, इसका अगर टाइम रेट करें कि वो क्या आएगा, वो स्पीड आएगा, और जैसे और वेलोसिटी का क्या है, वो इसका आएगा विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट है वो वेलोसिटी होगा। और जैसे स्पीडोमीटर है, बाइक का स्पीडोमीटर बोलते हैं, स्पीडोमीटर क्या चेक करता है, वो स्पीड की, जैसे एट ए टाइम हम जब भी उसकी स्पीड देखेंगे तो एट ए टाइम जो स्पीड होगी वो इंटेंशियस स्पीड होगी, और वह स्पीड का टाइम रेट है, तो वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, और ये होता है स्पीड, और ये सेम फॉर्मूला ऐसे ही होता है, ये वेलोसिटी वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड स्पीड का है टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मोशन के ही, और आगे के पार्ट है ये भी, सॉरी मोशन के आगे के पार्ट है ये डिस्कस करेंगे, जैसे कि आगे है यूनिफॉर्म जो मोशन होती है वो कितनी